सिमरन, सिमरन, अरे तुमसे ही बातें कर रहा हूँ। आ गए आप? आज जब मैं ऑफिस में था ना, तो राज का फोन आया। हाँ, क्या कहा राज ने? वो ठीक तो है ना? हाँ ठीक है, वो एग्जाम की तैयारी कर रहा है आज। पता नहीं, जब से राज घर से बाहर गया है तब से ये घर सूना सूना लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मैंने बहुत कीमती चीज खो दी है। जब भी कहीं से वो आता था, हमेशा यही कहता था, भाभी खाना दे दो, बहुत जोरों की भूख लगी है। ना जाने वो बाहर कैसे अपना ख्याल रखता होगा, किस हालात में होगा वो। मुझे तो उसकी बहुत फिक्र हो रही है। अरे शांत हो जाओ। तुमने उसे जो माँ जैसा प्यार दिया है, राज का जन्म होते ही माँ चली गई और 2 साल के बाद पिताजी गुजर गए। 10 साल तक मैंने उसकी देखभाल की और शादी के बाद तुमने उसकी देखभाल की, तुमने उसे माँ की तरह पाला है, उसकी खातिर तुमने अपनी औलाद को भी जन्म नहीं दिया। हाँ, मुझे गर्व है कि मुझे राज जैसा मेरा देवर मिला और मुझे किसी औलाद की कोई जरूरत नहीं है। मैं उसे अपने औलाद से बढ़कर मानती हूँ और हमेशा मानती रहूंगी। जरूर, इसीलिए तो मुझे तुम पर प्यार आता है। तुम बहुत अच्छी हो। I love you too much. I love you.